सावन आते ही हर जगह अलग अलग अंदाज में कांवड़ी कांवड़ ले जाते हुए दिख जाते हैं और ऐसे ही एक खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। एक कांवड़िया अपने माँ बाप को कांवड़ में ले जा रहा है, एक तरफ माँ एक तरफ पिता को बिठा रखा है। कांवड़ को देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। शिवभक्त कांवड़िए का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के हिंडन नदी किनारे कांवड़ियों के लिए बेहद खूबसूरत तरीके से पांडाल लगाया गया। पांडाल में कांवड़ियों के रुकने और प्रसाद ग्रहण करने की पूरी व्यवस्था की गई है। रंग बिरंगी लाइटों से पंडाल जगमगा रहा है। पंडाल का जायजा लिया नुस्खे संवाददाता ने। मेरे पीछे जो पांडाल लगा हुआ है, अगर उसकी आप तस्वीरें देखेंगे तो देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी की बारात के लिए ये पांडाल लगाया गया हो। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भव्य पांडाल यहाँ पर लगाया गया है। स्टेज भी यहाँ पर लगी हुई है, अलग से चार्ट काउंटर लगाए गए हैं। लेकिन ये सब व्यवस्था जो की गई है ये शिव भक्त कांवड़ियों के लिए की गई है। गाजियाबाद के हिंडन नदी के पास ये व्यवस्था की गई है और पांडाल लगाया गया है। और तस्वीरों में आप देखेंगे जो शिव भक्त कांवड़िए हैं, जो कांवड़ लेकर जल लेकर हरिद्वार से आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं, उनको यहाँ पर भोजन भी परोसा जा रहा है। तो कितने दिन का सफर आपने कर लिया अब तक और कहाँ से जल उठाया है? हरिद्वार हर के पौड़ी से जल उठाया और पेट के बल उठाया, लेट लेट के आ रहा हरिद्वार से। डाइट करा रहे हैं आप जी? ये भाई साहब हमारे लेट रहे हैं। अच्छा, लेट करा रहे हैं आप, लेट कर जल लेकर आ रहे हैं जी? हाँ। क्या कहेंगे, बाबा की पूरी कृपा बनी हुई है भाई? बाबा की शक्ति से चल रहा हूँ, नहीं तो एक कदम भी नहीं चल सकता वैसे तो। हम कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हम चार लोग हैं, दंडवत मैं लेके आ रहा हूँ, ये मेरे साथ सहयोगी है मेरे भाई, और जो आयोजक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं जो महामंत्री हैं। ये जो कैंप लगाया गया है, भव्य कैंप लगाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बारात हो और वाकई शिव की बारात इसको हम कहते भी हैं। क्या कुछ कहेंगे? तो ये तो हम लगा ही रहे हैं, 17 साल से लगा रहे हैं। 17 साल से? हाँ जी, हाँ जी। गाजियाबाद में तो पहली बार लगाया है? गाजियाबाद पहली बार है, बाकी 17 साल से अपना धौला कुआं बुद्धा जयंती गेट नंबर 1 पे लग रहा है जी। कीर्तन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, साथ ही शाम के समय रोजाना यहाँ पर कीर्तन हुआ करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनित के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। आजकल चारधाम यात्रा चर्चा का विषय है।